हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब? आज एक और वीडियो में आ गए हैं। एक सर का डाउट है कि सर, अपने फ़ोन से जो भी मेरा डेटा है, लाइक PPT, PDF, इमेज, वो मैं स्क्रीन पे कैसे शेयर कर सकता हूँ? तो इसी टॉपिक पे आज का हमारा वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक वाईफाई होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैं अपना वाईफाई दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे एक हमारा वाईफाई लगा है, इसी वाईफाई से मेरा पैनल भी कनेक्ट है और मेरा फ़ोन भी कनेक्ट है। तो मैं फ़ोन का दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ देखिए, ऊपर में मैंने वाईफाई खोल दिया है, स्मार्ट इन्फोविजन डेमो कनेक्ट है, ठीक है, ऑल राइट। और इसी सेम वाईफाई से मेरा पैनल भी कनेक्ट है। तो इसके लिए हमें एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है बाइटेलो शेयर, जो कि मैंने अभी सर्च कर लिया है। बाइटेलो शेयर, ये आप देख लीजिए, यही लोगो है एप्लीकेशन का, जो कि आपको डाउनलोड करना है। इसको मैं इंस्टॉल कर लिया है, अब इसे ओपन करता हूँ। तो ये देखिए, मैंने ओपन कर लिया है। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको 6 डिजिट का कोड डालना होता है। जैसे मैं इसको फिर से करता हूँ, बाइटेलो शेयर, यहाँ देखिए 6 डिजिट का कोड मांग रहा है, जो कि आपको यहाँ पे पैनल के सबसे टॉप पे आपको 6 डिजिट का कोड मिलता है। आइए उस 6 डिजिट के कोड को मैं यहाँ पे डालता हूँ। तो है 001025, ये मैंने डाल दिया। ये देखिए, मेरा पैनल जो है कनेक्ट हो गया। अब इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। यहाँ देखिए स्क्रीन शेयर है, स्टार्ट। तो ये देखिए, मेरा फ़ोन का स्क्रीन मिरर हो गया वहाँ पे। यहाँ से मैं कुछ भी मिरर कर सकता हूँ। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि बिना किसी को दिखाए, मतलब फ़ोन का कुछ भी नहीं दिखेगा, जो मुझे दिखाना है वही फ़ोटो वहाँ पर शो होगा। जैसे कुछ भी फ़ोन में आपका प्राइवेट चीज़ है, जैसे इतना सारा इमेज है, ये नहीं दिख रहा है, मैं जिस पे क्लिक करूँगा सिर्फ वही दिखेगा। जैसे ये मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए ओपन हो गया। अब इस इमेज को मैं यहाँ से जूम इन और जूम आउट कंट्रोल कर रहा हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इस टाइप से आप अपना फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। और इस पर आपको राइट करना है तो आप राइट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको साइड ऑप्शन में आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मार्क ऑप्शन मिलता है। इसी इमेज पे आप राइट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए पेन पे आपको आ जाना है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए, मैं इसी पे राइट कर रहा हूँ, ये देखिए। तो आप इस टाइप से राइट भी कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब मैं दिखाता हूँ क्या मेरे फ़ोन में जो PPT PDF है उसको मैं शेयर कर सकता हूँ, ऑब्वियस कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट पे जाना होगा। यहाँ पे देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको मैं शेयर करने के लिए सिर्फ 1 क्लिक करता हूँ। ये देखिए, मेरा PPT जो है ओपन हो गया। अब इसको मैं फुल स्क्रीन यहीं से कर लेता हूँ। यहाँ देखिए माउस का पॉइंटर आ गया है पैनल के ऊपर। अब यहाँ से मैंने इसको कर लिया फुल स्क्रीन, ये देखिए, ये हो गया फुल स्क्रीन। अब इसको मैं यहीं से स्लाइड कर सकता हूँ ऊपर नीचे, ये देखिए, ये मैं कर पा रहा हूँ फोन से ही, बाइटेलो शेयर ऐप के थ्रू। ये देखिए आप, इस टाइप से मैं कुछ भी PPT एंड PDF बिना किसी पेन ड्राइव लगाए हुए वायरलेसली इस पे शेयर कर सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ? और मैं डेस्कटॉप सिंक कर सकता हूँ। ये बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे सपोज कीजिए, कोई पीछे आपका स्टूडेंट बैठा है जिसको दिख नहीं रहा, जैसे ये पैनल पे आप कुछ भी पढ़ाएंगे तो आपका स्टूडेंट के फ़ोन में सेम जो आपके यहाँ पैनल पे चल रहा है उसके फ़ोन पे दिखेगा। तो आपको स्टूडेंट को ये भी ऐप डाउनलोड करवा सकते हैं, बाइटेलो शेयर, जिसके थ्रू आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो पढ़ाएंगे उसके जो बैक साइड बच्चा बैठा है उसको दिख जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप? नेक्स्ट आप कुछ भी यहाँ से वीडियो शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ, तो ये देखिए मैंने यहीं से वीडियो प्ले कर दिया और वीडियो वहाँ प्ले हो गया। 10 बजे 11 बजे भी अगर आप सर्विस चाहते हैं, और यहीं से मैं वॉल्यूम भी कंट्रोल कर रहा हूँ, ये देखिए म्यूट भी कर दिया, यहीं से वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ से स्टॉप कर दिया। तो इस टाइप से आप वीडियो साथ में ऑडियो भी उसका प्ले होगा, वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी। और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रिमोट ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहीं से इस देखिए रिमोट आ गया, यहीं से मैं पैनल को ऑपरेट कर रहा हूँ।
ये देखिए मैं यहीं से होम कर देता हूँ, ये देखिए होम आ गया। अब यहीं से जो भी मुझे एप्लीकेशन खोलना है, ऑल ऐप पे जाना है, ऑल ऐप पे चला गया, यहाँ से जो भी एप्लीकेशन कीपर खोल देता हूँ, कीपर खुल गया। ये देखिए अब इसको वन टच ऑप्टिमाइज कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं मैं यहीं से फोन से वायरलेसली कनेक्ट करके पैनल को ऑपरेट कर सकता हूँ इस बेंचमार्क के डिजिटल बोर्ड को। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है आपका कैमरा। अब मुझे कैमरा शो करना है, ये देखिए मेरे फोन में कैमरा हो गया लेकिन पैनल में नहीं हुआ है, तो उसके लिए मुझे ये रेड बटन क्लिक करना होगा। तो ये देखिए पैनल पे कैमरा दिखने लगा, ये देखिए मेरे फोन का कैमरा पैनल पे शो हो रहा है इस बाइटेलो शेयर एप्लीकेशन के थ्रू। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बाइटेलो शेयर कैसे यूज करना है समझ में आ गया होगा, कैसे कनेक्ट करना है ये भी अच्छा लगा होगा आपको। इस टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकें। और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।